अभी अयांश के माँ है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम आपको सुनिए। सबसे पहले तो सर को, बिपिन सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सर मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ये लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब हमारे तरफ से प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं। अंजलि जी बहन, आप एकदम आशीर्वाद पूरे भगवान आशीर्वाद देते हैं। और ये आपको कहीं से कलेक्शन किया? नहीं, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ आपको। और कहीं जॉब करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। ये गिन ले लिया? इकतीस हजार है अभी। और जो भी, क्योंकि हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल, और मैं आपको एक और भरोसा दिला के जा रहा हूँ। इस महीने में जितने कमाऊंगा, मैं जितना पढ़ाऊंगा, अपनी पूरी कमाई दूंगा। तो मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के सभी लोगों से, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जहाँ तक आपसे हो पाए अयांश की मदद कीजिए। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता है, वो अपने आप को बेच देगा, सब कुछ बेच देगा अपने बच्चों के लिए। और जिनके पास बच्चे हैं वो तो उसकी तकलीफ समझते हैं। मेरे पास दो बेटा है, छोटा सा है, अभी 4 साल का, 7 साल का है। तो मैं एक बाप होने के नाते मैं दर्द समझता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका बेटा पक्का ठीक हो जाएगा, ये मेरा पूरा दिल कहता है। ये बात जान लीजिएगा, मेरा पूरा भरोसा है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया दुआएं दे रही है। ये बात तो है सर की, मेरे शरीर का मतलब ये कि तो रोम रोम कर रहा है, आपका बेटा पक्का ठीक हो जाएगा। ये तो सर जो भी लोग आ रहे हैं, ये यही बात, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, तो काम देता ही है, लेकिन जो सब लोग दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए, ये चीज बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब लोग, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी 3 दिन से हमारे यहाँ एक पत्रकार है, ये कहाँ, नहीं मनीष कश्यप जी नहीं, गोरखपुर से आई है, वो गोरखपुर से 3 दिन से यहीं पर स्टे की हुई है इसके लिए। तो अब मनीष कश्यप का तो खैर कहना ही नहीं है, अगर वो नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। हम सच बता रहे हैं, उस व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं जो इसके मुद्दा को, जब इसका रिपोर्ट हमें मिला, जब हमें पता चला 20 दिन पहले कि इसको SMA 1 है, फिर तो हम होप ही छोड़ चुके थे कि अब इसका कुछ होगा भी, मतलब अब बस यही लग रहा था कि बस कैसे भी ये जब तक है तब तक है, यही हम लोग को लग रहा था। फिर सोचे कि नहीं ऐसे वो खराब खत्म करने से नहीं होगा, देखते हैं क्राउड फंडिंग करके क्या कुछ हो पाता है। फिर लगा कि नहीं, हम लोग बिहार में रहते हैं तो शायद वहां लोग नहीं समझ पाए, और हार्डली 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाएगा हमारा अमाउंट। लेकिन सर मतलब हम क्या बोले, मतलब इस 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर हम 4 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सभी लोगों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है जो योगदान दे रहे हैं, जितना ही आपसे हो पा रहा है, जो सहयोग हो पा रहा है। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो सुना कि खेसारी लाल जी भी आने वाले हैं। हाँ, वो और सबसे ज्यादा सर राकेश मिश्रा जी उनका बहुत अहम रोल है, उनको भी प्रणाम है। और राकेश मिश्रा जी हो गए, वो तो खैर एकदम, मतलब वो बोलते हैं कि बस हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ अयांश दिख रहा है कि इसको कैसे भी ठीक करना है, कहीं से मतलब कोई उपाय करके इसको पैसा हम ये करा दे ताकि इसका इंजेक्शन पड़ जाए। बिल्कुल, वो एकदम लगे हुए हैं। हम लोग का सहयोग आपके अंत तक रहेगा, जब तक बाबू ठीक नहीं हो जाता हम तब तक सहयोग करेंगे। और मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ, मैं अभी से जो क्लास लूंगा इसके इंजेक्शन तक, इस महीने में जितना भी कमाऊंगा हम सबको। देखिए अब लोगों को अगर लगेगा कि भाई नहीं, इंसानियत के नाते हमें पता है, देखिए हम जानते हैं कि सिर्फ हमारे देश में एक अयांश नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है। पर ये भी जरूरत है कि अगर अयांश के माँ बाप कितने भी कमाए हुए होते लेकिन 16 करोड़ जमा नहीं कर सकते। मतलब मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये बच्चा, मतलब हमारे यहाँ किसी के बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये एक मिडिल क्लास क्या, ये तो रिच फैमिली के लिए भी किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए करना जरूरी है हम लोग। और सर ये बच्चा अगर बच जाता है ना, तो एक मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, ये अमाउंट 16 करोड़ तो बहुत बड़ा है। कुछ लोग, बच्चे को कैंसर भी हो जाता है तो वो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे, तो इस चीज से ये मैसेज भी जाएगा कि ये तो चलो 16 करोड़ अगर ये लोग जुटा सकता है तो फिर जो 10 लाख का ट्रीटमेंट या 20 लाख का है वो तो हम कर ही लेंगे। ये चीज होता है ना, हम लोग इस बीमारी के बाद यही सोच रहे थे कि काश कि हमारे बच्चे को कैंसर होता, कैंसर का अमाउंट अफोर्डेबल है, वो हम लोग ट्रीटमेंट करा लेते।
लेकिन ये 16 करोड़ लोग है हो जाएगा और लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। और हम यही है कि आप बहुत बहुत थैंक यू आप हैं। और मैं भी किसी बच्चे का पिता हूं तो मुझे पता है अपने बच्चों का दर्द। अगर मेरा भी बच्चा होता तो हम भी अपनी जान लगा देते। उसी तरीके से आज तो यह देश का बेटा है। ये सही बात है, ये देश का ही बेटा, देश का बेटा है। ये सिर्फ आपके बेटा के नाम से नहीं जाना जाएगा। खड़े हुए हैं कि मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना हमारे घर पे, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अगर ये बच्चा सच में ऐसा नहीं होता ना तो हम कभी इस चीज को देख नहीं पाते कि दुनिया में ऐसे भी इंसान है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जो 4 घर का काम करती हैं, जो अपना घर चलाती हैं, वो लोग फंड जमा करके हमारे यहाँ डोनेट कर रही हैं 2 दिन से। एक दिन लेकर आई 5,000, कल लेकर आई 10,000। मतलब वो लोग अपना ग्रुप बना के कलेक्शन करके और यहाँ जमा कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, इधर मैंने 2 दिन में वो सारे वीडियो देखा है। मतलब लोग सोचते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और है, लेकिन मैं रियलिटी देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मतलब मैं भी, मुझे नहीं भरोसा था इस चीज़ों पे। होता है, बहुत सारे लोग फर्जी करते हैं तो इन सब चीजों पे सर मुझे एकदम भरोसा नहीं था कि ऐसा भी होता है कुछ, लेकिन ये बच्चा हमको लेसन सिखा रहा है। भी जानते हैं और बहुत ही बिहार के चर्चित और लोकप्रिय शिक्षक हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अयान के पास आए हैं मदद करने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि इस बच्चे ने हमें यहाँ तक खींच लाया है जी। और तमाम मीडिया भाइयों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और आज हो सकता है क्या, अब तो मुझे पूरा लगता है जब मैं आज मिला अयान की मम्मी से तो इनके अंदर भी अब हिम्मत है, क्योंकि जब लोगों का साथ है, सहयोग है, तो हिम्मत है कि हमारा अयांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे लोग लगे हुए हैं आप भी आशीर्वाद दीजिए, मेरा बाबू एकदम ठीक हो जाएगा। अयांश के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं अभी जो मैंने सहयोग किया है जी, आप कितना सहयोग किया? अभी 31,000 रूपए से मैंने सहयोग किया है मैडम को, अभी दिया है मैंने। और मैं इस महीने अब जितना कमाई करूंगा जी, अभी हम लोग SSCGD का कोर्स भी ला रहे, चूंकि अभी हम पढ़ाएंगे जी, थोड़ा धुरीन एप्लीकेशन है जी, इस महीने की सारी कमाई हम कलेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या आप करने वाले हैं? और हम तमाम लोगों से प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग जी, जो सक्षम है जी, जरूर आइए। जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता है, बिजनेसमैन है, नौकरी में है, जिनको लगता है कि भाई मुझे करना चाहिए सहयोग, तो बिल्कुल आइए। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, हमारी विनती है मेरे तरफ से, क्योंकि मैं भी एक बच्चे का बाप हूं तो मुझे भी पता है कि एक बच्चे के लिए एक माँ बाप अपने आप को बेच सकते हैं, कुछ भी उनके लिए मतलब कीमती नहीं है बच्चों से ज्यादा। तो आए सहयोग करें सब लोग बढ़ चढ़ के कि हम एक अयांश को बचाएं और मानवता को मतलब हम सिद्ध करें कि भाई हम कितनों ही मुश्किलों में हों लेकिन हम जीत सकते हैं, लड़ाई कितनी भी बड़ी, यही हम आग्रह सब लोगों से करें। तो ये है विपिन सर, मैं इनको शुरू से जानता हूँ। जब इनका 1,000 सब्सक्राइबर था उसी वक्त मैं इनसे जुड़ा था और इनसे पढ़ा था जब मैं तैयारी करता था। अभी अयांश के माँ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम आपको सुनिए। सबसे पहले तो सर को, विपिन सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सर मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ये लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं, जैसा कि सर को पहले भी बता चुकी हूँ कि इस बच्चे ने मुझे बहुत तरह का लेसन सिखा दिया। मतलब कैसे कैसे लोग इंसान मतलब इस धरती पर हैं कि वो हमारे पास आ रहे हैं मदद करने के लिए। इससे सर हमें सीख मिलती है कि आगे अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो बढ़ चढ़कर आदमी को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि सर अगर हमें अगर ऐसा हेल्प नहीं मिलता तो शायद ये बच्चा हमारे पास नहीं रहे। लेकिन ये हेल्प मिल रहा है इसीलिए मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ ये बच्चा मेरे पास रहेगा। तो सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सर जैसे हैं वैसे और भी लोग प्लीज सर को देखकर थोड़ा सा इंस्पायर होइए और प्लीज डोनेट करिए ताकि हमारा बच्चा हमारे बीच रह सके और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि इसे सर ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है और बहुत जितनी जल्द हो सके अगर इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो ये हमारे बीच रह पाएगा सर। अयांश के माँ से बात भी हो गया और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अयांश को क्या हो गया, क्योंकि मैं लगातार मुहिम छेड़ रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ कि इसको क्या हो गया। और फिर से मैं बता देता हूँ कि SMA टाइप 1 एक बीमारी है, वही हो गया है। और इसको इलाज के लिए अमेरिका के एकमात्र कंपनी है जो लिसिंगमा नाम का जो इंजेक्शन बनाती है और वो 16 करोड़ में इंडिया में आती है। तो अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो ये बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा।
तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अयांश को जितना हो सके मदद कीजिए। आप देख रहे थे सीकेटीवी इंडिया, अगर आप लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना है।